जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लासेस में। आज की हिमाचल जीके की जो क्लास है इसमें खास क्या है, तो खास है वो खेलों से जुड़े हुए सवाल जो कि हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं। तो हम इन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे हिमाचल प्रदेश से। तो सभी ध्यान से सुनिएगा हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए इन सवालों को। तो हिमाचल प्रदेश में जो खेलों से जुड़े हुए हैं, तो पहला जो खेल पुरस्कार है वहां से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। खेल पुरस्कार जो कि हिमाचल प्रदेश में क्या, कौन कौन, किस किस स्ट्रीम से जुड़ा हुआ है, हम उन क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आए हैं। तो ध्यान से आपने इनको नोट करना है, डाटा बहुत अच्छा है, डाटे को आपने बनाना है और मेंटेन करने हैं अपने नोट्स बच्चों, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं पशुराम पुरस्कार कौन सा है। पशुराम पुरस्कार कौन सा है, हिमाचल प्रदेश का ये सर्वोच्च सम्मान है। तो पहला सवाल यहीं से प्यारे बच्चों बन गया है, ध्यान से नोट करना है, हिमाचल प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है। तो पशुराम पुरस्कार जो है वो सम्मान पुरस्कार है। इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, यानी कि एक सर्टिफिकेट, और पशुराम की प्रतिमा और नगद पुरस्कार में जो है कुछ पैसे जो है नगद पैसे हैं वो दिए जाते हैं। अगला पुरस्कार है हमारा अर्जुन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है जी, अर्जुन पुरस्कार। ये हिमाचल प्रदेश के कई खिलाड़ी जो है अब तक अर्जुन पुरस्कार ये प्राप्त कर चुके हैं। कौन सा पुरस्कार जी, अर्जुन पुरस्कार आज तक जो है वो कई खिलाड़ियों को जो है वो मिल चुका है, जैसे कि सुमन रावत। कौन, सुमन रावत, ये एथलीट है, उनको 1987 में अर्जुन पुरस्कार मिला है। सुमन रावत को कब अर्जुन पुरस्कार दिया गया, 1987 में। ये प्रदेश की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि प्रदेश की पहली महिला जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया वे कौन हैं, और आपने कमेंट करके बताना है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी हुई है, ठीक है। शमशेर जंग, ये निशानेबाज है। इसी प्रकार से सीता गोसाई, ये भी महिला हॉकी पूर्व कप्तान है, इनको भी अर्जुन पुरस्कार मिला है। इसी प्रकार से ऊना से बात करेंगे तो चरणजीत सिंह है, इनको 1964 में जो है टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, और ये जीतने वाली टीम की जो है ये कप्तान भी रही हैं, ठीक है जी। और जिन्हें 1963 में जो है जो पुरस्कार है वो दिया गया था, ठीक है जी। इसी प्रकार से विजय कुमार, 2007 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। दीपक ठाकुर हॉकी के खिलाड़ी हैं, अर्जुन पुरस्कार इनको भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल पुरस्कार ये हमीरपुर के बड़सर उपमंडल के हरसौर गांव में जो है ये पैदा हुए हैं। कौन से, कहां से पैदा हुए हैं, हरसौर गांव में पैदा हुए हैं, बड़सर के पास। और विजय कुमार जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है खेल पुरस्कार, जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले एकमात्र हिमाचली है जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार मिला है, डाटा के अनुसार मैं बता रहा हूं। और उन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2012 में प्राप्त हुआ था। कब हुआ था, वर्ष 2012 में। अब तक लंदन ओलंपिक 2012 के में जो है उन्होंने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में जो है रजत पदक जो है वो जीता था, और ओलंपिक की जो व्यक्तिगत पदक जीतने वाले ये पहले और एकमात्र हिमाचली खिलाड़ी हैं जिन्हें ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। याद रखना कि कौन है, तो नाम उनका क्या है वो जरूर आपको याद रखना चाहिए, विजय कुमार। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश में जो है खेलों को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को, युवा मामले और खेल विभाग का गठन कब हुआ है। तो खेल विभाग का जो हिमाचल में जो है वो गठन हुआ था 1982।
इसी प्रकार से हैंग ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग के लिए मैं जाऊंगा कि आप इसको भी अच्छे से याद रखिए कि बीड़ बिलिंग घाटी में जो है हैंग ग्लाइडिंग यानी कि पैरा ग्लाइडिंग, जो बच्चे जो मैक्सिमम है वो हैंग ग्लाइडिंग नहीं जानते हैं मगर पैरा ग्लाइडिंग जानते हैं। हैंग ग्लाइडिंग पहले हाथ से पकड़कर भागते थे और उसके भी पंख लगे होते थे और उससे विंग से जो है उड़ते थे, उसको पकड़ के फिर वैसे लटकते थे। बट अब जो है वो उसके दूसरा है, इसको हम पैराग्लाइडिंग बोलते हैं, पैराग्लाइडर बोलते हैं। और जो दूसरा होता है उसमें स्वीप करके जो होते हैं उसके विंग्स बनाए होते हैं पंख, वो हैंग ग्लाइडिंग के लिए होता है। तो प्रतियोगिता का आयोजन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो बीड़ बिलिंग जो है बैजनाथ के साथ है, वहां पर जो है ये की जाती है जी। गोल्फ कोर्स की बात करते हैं, शिमला के नजदीक नालदेहरा में गोल्फ कोर्स है और चंबा में और खजियार और सोलन जो है वहां पर भी ये गोल्फ का खेल खेला जाता है। आपने याद रखना है कि गोल्फ का कोर्स जो है वो नजदीक जो नालदेहरा है शिमला के पास, ये आपको याद रखना है। दूसरा चंबा के खजियार में खेला जाता है और सोलन के चायल में भी गोल्फ को खेला जाता है, ठीक है जी। रोलर स्केटिंग और स्कीइंग, जो कि शिमला मनाली डलहौजी में रोलर स्केटिंग का भी आनंद लिया जाता है। डलहौजी का तो मुझे आइडिया नहीं है, डलहौजी में थोड़ा बहुत होता होगा पर शायद ही, मनाली का ज्यादा खास आइडिया है मुझे पूरा, और शिमला ये आंकड़ों में डलहौजी उठाया है पर डलहौजी में है नहीं, कहीं पे देखा नहीं पाया कि स्केटिंग के लिए वहां पर बहुत ज्यादा हो। कुफरी, नारकंडा, सोलंग नाला, ये सभी स्कीइंग के लिए जो है बहुत ज्यादा फेमस जो है वो स्थान है, ये हिमाचल के खेलों में ही जुड़ते हैं। इसी प्रकार से क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट में जो है विश्व का सबसे ऊंचाई पर जो स्थित पिच है जिसपे खेला जाता है क्रिकेट ऊंचाई पर, वो कहां पर है? चायल में है। तो उसकी ऊंचाई कितनी है चायल की? सोलन में है, 2445 मीटर हाइट पर है और ये मैदान सन 1894 में बनाया गया और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट टीम ने जो है सन 1985 में जो है यहां पर रणजी भी खेली थी और पंजाब रणजी टीम के जो है ध्रुव पांडे जो है हिमाचली रणजी टीम के विरुद्ध खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी थे। कौन थे? ध्रुव, और केवल 13 वर्ष के थे ये। और बिलासपुर के तिलकराज, एक और याद रखिएगा, तिलकराज किससे जुड़े हैं? क्रिकेट के ही हैं। एक ओवर में रवि शास्त्री ने जो है 6 छक्के लगाकर विश्व कीर्तिमान बनाया और तिलकराज तब बड़ौदा टीम की तरफ से खेल रहे थे और राजीव नैयर को जो है पशुराम पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं, यानी कि मिल चुका है, जो कि चंबा के रहने वाले हैं। कहां से है? चंबा के हैं, वहां के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ठीक है जी। इसी प्रकार से अब हम फुटबॉल की बात करेंगे तो देश का प्रथम फुटबॉल जो कप है डूरंड कप टूर्नामेंट 1888 में शिमला में अन्नाडेल मैदान में जो है वो खेला गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि शिमला के अन्नाडेल मैदान में ये डूरंड कप खेला गया था। तो हिमाचल में डूरंड कप कब पहली बार खेला गया? नंबर दो, हिमाचल में जो है डूरंड कप कहां पर खेला गया, यह भी पूछा जा सकता है। और यह प्रतियोगिता एशिया की प्राचीनतम और विश्व की दूसरी पुरानी प्रतियोगिता है। एशिया में सबसे पुरानी है और विश्व की यह दूसरे नंबर पर आती है। और यह प्रतियोगिता जो है सर डूरंड मॉन्टीमेयर ने जो है शुरू की थी और यह प्रतियोगिता 1940 तक जो है शिमला में ही खेली जाती थी डूरंड कप, ठीक है जी। उसके बाद जो है भूपिंदर रावत ने जो है फुटबॉल कप में भारतीय टीम का भी प्रतिनिधित्व किया है, ये भी आपको याद रखना है। कब किया था? 1968-69 में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट खेल आ जाता है हॉकी, तो हॉकी से जुड़े हुए हैं। तो हॉकी जो है वो भारतीय टीम के कप्तानी वो अर्जुन पुरस्कार जिन्होंने जीता है प्रदेश के, वो दो खिलाड़ी हैं, वो कौन कौन से हैं? चौधरी चरण सिंह, अब बताएं आप कमेंट कर सकते हैं चौधरी चरण सिंह कहां से जुड़े हैं, और सीता गोसाई। विद्या स्टॉक्स ने दो बार जो है
महिला हॉकी संघ के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और शिमला के शिलारू में एशिया का सबसे ऊंचा हॉकी स्टेडियम है। याद रखिएगा, एशिया का सबसे ऊंचा खेल मैदान जो है हॉकी का वो कहां है, वो शिलारू में है और शिमला के शिलारू जगह का नाम है, जिसे एस्कॉर्ट ऑफ मैदान भी कहते हैं, जिसका निर्माण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया है। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है निशानेबाजी। निशानेबाजी में आते हैं तो निशानेबाजी में सिरमौर के शमशेर जंग बड़े फेमस है जी। 2007 के इनको मैनचेस्टर राष्ट्रमंडल खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और 2006 में मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने पिस्टल यानी कि शूटिंग में जो है ये प्राप्त किए थे। मेलबर्न राष्ट्रमंडल 2006 में बहुत अच्छा खेला है और डेविड डिक्सन ट्रॉफी भी इनको प्रदान की गई है। और हमीरपुर के विजय कुमार ने जो है दिल्ली 2010 और ग्लासगो के 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक तो जीतना है। इसके अलावा 2012 में ओलंपिक खेल हुए थे प्यारे बच्चों, उसमें रजत पदक जीता था विजय कुमार ने। इसी प्रकार से 2012 में जो है राजीव गांधी, जैसे मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, राजीव गांधी खेल पुरस्कार दिया गया, विजय कुमार को पद्मश्री भी मिला है। विजय कुमार को क्या दिया गया है, पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसी प्रकार से भारोत्तोलन में लेंगे तो भारोत्तोलन में यानी कि वेट लिफ्टिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा तो हिमाचल के विकास ठाकुर बहुत ही फेमस हैं। ठीक है जी, 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने रजत पदक जीता है। 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने रजत पदक जीतकर जो है इन्होंने गोल्ड कोस्ट में इन्होंने कांस्य पदक जीता है और राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने क्या जीता था, कांस्य पदक। ठीक है जी, और उसमें जीता था रजत पदक। तो इस प्रकार से इनके ये खेलों से जुड़े हुए सवाल हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा खिलाड़ियों के नाम। तो वॉलीबॉल से कौन कौन से जुड़े हैं जी, चमन सिंह जिन्हें परशुराम से सम्मानित किया गया है, कला सुरजीत और देवराज शर्मा। इसी प्रकार से जिम्नास्टिक से जुड़ा गया है जुड़े हैं अनंत राम, इन्हें भी परशुराम पुरस्कार दिया गया है। बॉक्सिंग से जुड़े हैं आपके भक्त ठाकुर वीरेंद्र, इन्हें भी परशुराम पुरस्कार मिला है। पैराग्लाइडिंग से जो है रामलाल ठाकुर और प्रियंका अवस्थी और अतुल्य शर्मा, ये भी अतुल शर्मा भी बहुत ज्यादा फेमस है। इसी प्रकार से निशानेबाजी में विजय कुमार और शमशेर जंग। हॉकी से आपने ये लिस्ट बनानी है इन खिलाड़ियों की जो कि हिमाचल के लिए प्रतिभा दिखा रहे हैं और आपको इनको लर्न करना चाहिए जितने भी हिमाचल के ये खिलाड़ी हैं। इसी प्रकार से जो है हॉकी के चरणजीत सिंह, दीपक ठाकुर और साथ में सीता गोसाई। इसी प्रकार से तीरंदाजी में चलेंगे तो स्कॉल जंग दोरजी जिन्हें भी पुरस्कार मिला है परशुराम, और एथलीट में सुमन रावत। इसी प्रकार से स्कीइंग में जाएंगे तो कुमारी उमा है, इन्हें भी परशुराम पुरस्कार दिया गया, और शिव केशव वन। ठीक है, केशवन। इसी प्रकार से एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हिमाचली महिलाएं कौन कौन सी हैं वो आपको लिस्ट इनकी याद रखनी चाहिए, राधा देवी, दीपू शर्मा, राजीव शर्मा, सुनील शर्मा, प्रेम सिंह, बलदेव शर्मा। इसी प्रकार से बाइकिंग भान एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो हैं पहले डॉक्टर हैं जो कि लाहौल स्पीति के रहने वाले हैं। कहां गए हैं, लाहौल स्पीति के रहने वाले डॉक्टर हैं जो एवरेस्ट पर चढ़े हैं बच्चों। डिक्की डोलमा ये भी हिमाचल की हैं जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी हैं और सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली जो है ये पर्वतारोही हैं। तो समझिए कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हुए हैं, आपने इनको लर्न करना है, याद रखना है और हमारी नेक्स्ट क्लास में जो है आपने इसको ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में लगाना है। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। जय हिंद, जय हिमाचल।